नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो आधारित है अभी महाराष्ट्र में। जब से सरकार पलटी हुई तब से शिवसेना उद्धव ग्रुप और शिवसेना एकनाथ ग्रुप में चल रही तनातनी को लेकर। इस वीडियो में दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र है, लेकिन दोनों ही इसी से जुड़ी हुई है। पहली घटना है एकनाथ शिंदे ग्रुप के मेंबर और वर्तमान पालघर सांसद राजेंद्र गावित द्वारा एक शख्स को धक्का दिए जाने की, उद्धव ग्रुप के एक कार्यकर्ता को धक्का दिए जाने की। तो वहीं दूसरी घटना है रामदास कदम, जो कि विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके, उनके गलत वक्तव्य पर उद्धव ग्रुप द्वारा उनके खिलाफ किए जाने वाले मोर्चे की। तो मैं बात करूं पहली घटना की, राजेंद्र गावित जो कल वसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी वसे के सेलिब्रिटी होटल में, वहां पर जितेंद्र हजारे नाम के एक शिवसैनिक जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप से है, वो और उनके साथ में कुछ लोग वहां पर आए थे। उन्होंने राजेंद्र गावित को कुछ तीखे सवाल पूछे। उन्होंने ऐसा पूछा कि हमने आपको चुन कर दिया और आपने पाला बदली किया, तो आपने किसको पूछा? जो जनता के, आम जनता के सवाल है, जब जनता वोट देती है एक सांसद को या विधायक को और वो पाला बदल लेते हैं, तो उस वोट का क्या मूल्य? और सांसद राजेंद्र गावित की बात कही जाए तो ये किसी जमाने में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा से शिवसेना उद्धव ग्रुप में गए, और आज ये शिवसेना एकनाथ ग्रुप में है। तो ये जितेंद्र हजारे ने इनसे कुछ तीखे सवाल जब पूछे, तब राजेंद्र गावित गुस्सा गए और गुस्से में इन्होंने जितेंद्र हजारे को पुश किया, धक्का मारा, जो आप स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं। एक सांसद को क्या इस तरह से शोभा देता है, ये सवाल अब क्षेत्र में उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, जितेंद्र हजारे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई। इसके बाद जितेंद्र हजारे ने अपने भी अपना बयान देते हुए निषेध जाहिर किया। तो एक घटना का मैंने आपको जिक्र किया, इसका जितेंद्र हजारे का बयान है, आप आगे वीडियो में सुनेंगे। वहीं अब दूसरी घटना जो बात करूं, तो दूसरी घटना है रामदास कदम, जो कि शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे की उद्धव गुट की जो पहली शिवसेना है उसमें वो कहीं आगे तक पहुंचे, जमीन के कार्यकर्ता से वो मंत्री तक बने। आज के समय में उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ ऐसा वक्तव्य दिया, जो वक्तव्य यहां मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनके उस वक्तव्य पर बवाल मचा हुआ है। और उसी वक्तव्य के खिलाफ आज शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप एकजुट हुई और वसई नवगर माणिकपुर बस स्टॉप के बाहर उन्होंने एक प्रदर्शन किया, जिसमें रामदास कदम का पोस्टर जलाया गया। और पोस्टर जलाने के बाद में, एक अमूमन पोस्टर जलाए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने टॉयलेट सीट के अंदर ये पोस्टर जलाया और अपने जो भाव थे वो व्यक्त किए, नारेबाजी की। तो सुनिए इसमें इनके जिला प्रमुख और इन्होंने क्या कुछ बयान दिया, आप दोनों ही घटना आगे विस्तार से देखिए। आपके साथ में सांसद राजेंद्र गावित जी ने धक्का मुक्की की, क्या विषय है? शिवसेना पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से शिवसेना में, शिवसेना में आने के बाद उनको यहाँ पे कोई नहीं जानता था। हमारे जैसे कार्यकर्ता थे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, हम लोगों ने लोगों को कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद लोगों ने उनको वोट दिया हमारे विश्वास के ऊपर। और जब वो उनका जो आर्थिक हित है, जो भी उनका हित रहेगा वो चाहिए, उसके लिए वो लोग दूसरे गट में जाते हैं, दूसरे पार्टी में जाते हैं। तब हमको मेरा ये कहना था कि बाबा हमको पूछो, कम से कम हमारी मीटिंग लो, मीटिंग में तुमको जो भी रहेगा तुम्हारा, तुम बताओ कि क्या है तुमको प्रॉब्लम, वो बताओ, हमारा मत लेना ये था। तो लेकिन हमारे हमसे बिना पूछे आप वहां पे चले गए, ये मैं उनसे सवाल करना चाहता था, इसके लिए मैं उनके पास गया था बोलने के लिए, ये निषेध करने गया था बस। तो उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया? फिर आपने देखा है वीडियो क्या क्या उनने, वो लगते हैं खासदार जैसे, ऐसे गुंडे जैसे मुझे ऐसे पकड़ के उन्होंने धक्का मार के निकल दिया और पुलिस के हवाले किया। इस विषय पर आपके क्या कहना चाहेंगे?
ये सरासर गलत है, क्योंकि जो शिवसेना के जो पदाधिकारी है ये हम सब लोग हैं, यही लोग लोक प्रतिनिधि चुन के देते। अगर अगर वो कुछ बात करने गए हैं तो खासदार साहब ने शांति से सुन लेना चाहिए। इस तरह से किसी को धक्का देना ये बिल्कुल गलत ही हुआ। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे यांचा देशमुख साहब आज आंदोलन कर रहे, क्या विषय है? जो माजी नेता है शिवसेना पक्ष के, जो पक्ष छोड़ के कुछ खोके के लिए जिन्होंने पक्ष छोड़ा है, वो आज हमारे नेताओं पे अलग अलग तरह के संभाषण कर रहे हैं पब्लिक में गलत फैमिली फैलाने के लिए, तो उनके खिलाफ निषेध करने के लिए ये आज का आंदोलन है। लेकिन आज का आंदोलन कुछ एकदम अलग हटके था, इसके पीछे की क्या वजह? उन हटके मतलब उनकी जो है असली वो लोगों को दिखाने थे, शिवसेना नहीं तो वो किधर रहते थे, वो जगह दिखाने का आंदोलन था। हम क्या कहेंगे आज के आंदोलन? आपको तो मालूम है कि दापोले में जो सभा हुई थी, उस सभा में ये गद्दार रामदास कदम ने हमारे ठाकरे साहब के खिलाफ, ना कि सिर्फ ठाकरे साहब के खिलाफ, पूरे फैमिली के खिलाफ गलत सलत शब्द यूज किए थे। जिन ठाकरे साहब के लिए खाली हम शिवसैनिकों के लिए नहीं तो पूरे देश पर उनके लिए श्रद्धा है, आदर है, उनके लिए इन्होंने गलत शब्द वापरे। जो मां से मीनाबेन ठाकरे है जिन्होंने उनको प्यार से किया, उनके खिलाफ इसने गलत गलत शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो ये सब ये जो है ये विकृति है। इस रामदास कदम को शिवसेना ने आज तक क्या नहीं दिया? इसको आमदार बनाया, इसको विरोधी पक्ष नेता बनाया, इसको पर्यावरण मंत्री बनाया, फिर भी इसकी जो भूख है ये खत्म नहीं हुई। और यार जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हमने उसकी असलियत, उसकी असली जगह कहाँ है ये बता दिया है। आज सिर्फ हमने उसके फोटो को चप्पल ने मारा है, फोटो को चप्पल से मारा है। अगर ये कहीं भूल से हमारे अगर सामने आता है तो हम उसको बिना मारे छोड़ेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।